परमेश्वर कहता है कि अपने आचरण पर ध्यान दो। आज का जो वचन है, शीर्ष वचन है, जो बेस लाइन है, वो ये है कि तुमने बहुत पोया लेकिन कम काटा। आगे तुम, हाँ, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम खाते हो लेकिन पेट नहीं भरता। आगे तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। यस। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। आमेन। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरों की कमाई को छेदने वाली थैली में रखता है। आमेन। सातवां पढ़िए, इसके साथ सातवां ही पढ़ लीजिए। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सवाल ये उठता है कि हम कैसे चले। परमेश्वर हमें बार बार, बाइबल में कई बार परमेश्वर ने हमें बताया है, अपने नबियों के द्वारा बताया है, अपने पुत्र के द्वारा बताया है, वचनों के द्वारा बताया है कि अपने आचरण पर ध्यान दो, अपने चाल चलन पर ध्यान दो। मैंने तुम्हारे लिए आकाश के झलोके खोल दिए, मैंने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए बलिदान कर दिया है, लेकिन तुम्हें वो आशीष क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि तुम्हारा चाल चलन वैसा नहीं है, तुम्हारा आचरण आशीष पाने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है पांचवा, कि जो तुम बोते हो, तुम बोते तो बहुत हो लेकिन काटते नहीं हो। बोते तुम बहुत हो लेकिन काटते नहीं हो। क्यों नहीं काटते हो? क्योंकि फसल ही नहीं उगती है। फसल क्यों नहीं उगती है? क्योंकि आप सही भूमि पर नहीं बोते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कभी आपने देखा है किसान को? अगर आपने किसान को देखा और ध्यान दीजिए, वो बीज बोने से पहले जितनी मेहनत करता है, उसके बाद बीज बोने के बाद नहीं करता है। किसान की सारी मेहनत बीज बोने से पहले होती है। वो रात दिन अपने खेत की जुताई करता है, उस भूमि को जोतता है, उसमें से पत्थर निकालता है, कंकड़ निकालता है, हालेलुया, गलत जड़े निकालता है, ताकि उस भूमि को वो बनाता है, ताकि वो उपजाऊ बन जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद वो बीज बोता है, और जब वो बीज बोता है उसके बाद उसकी रक्षा करता है कि कोई पक्षी ना आए, कोई जानवर ना आए, ताकि उसका बीज जो बोया हुआ है उसको हर्ट ना करे, उसको नुकसान ना पहुंचाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो फसल पाता है। हम अपनी भूमि को तैयार ही नहीं करते, हम वहां बीज बोते हैं जहां पर भूमि नहीं है। इसलिए वो कहता है, तुम बोते तो बहुत हो लेकिन काटते नहीं हो। तुम्हारे जीवन में फसल क्यों नहीं कट रही है? क्योंकि तुमने भूमि अच्छी तरीके से नहीं बनाई है, अपनी भूमि को अच्छी तरीके से नहीं बनाया है, उस बीज के योग्य नहीं बनाया है। अगर आप बीज को जेब में रखे रहेंगे, क्या फसल होगी? नहीं। उस बीज को बोना पड़ेगा, लेकिन बोने से पहले उसके लिए भूमि तैयार करनी पड़ेगी। इसलिए वचन कहता है, तुम बोते तो बहुत हो, बहुत बोते हो लेकिन काटते नहीं हो। कई सालों से कलीसिया आ रहे हो, यीशु मसीह को कई बरसों से जानते हो, प्रार्थना कई बातों कई बरसों से कर रहे हो, लेकिन क्यों फसल आपके जीवन में नहीं कट रही है? क्योंकि तुम्हारी भूमि सही नहीं है। तुम्हारी भूमि जहां पर वचनों का बीज आता है वो सही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे क्या है? तुम खाते तो हो लेकिन तुम, हाँ, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। पेट नहीं भरता। प्रेज द लॉर्ड। कभी ऐसा होता है कि आप खाएं और पेट ना भरे? होता है। कब होता है? जब आप बिना इच्छा के खाएं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपकी इच्छा है, अगर आपके अंदर भूख है, तो आपके लिए दाल और रोटी भी आहा कैसी लगेगी, क्या अच्छा बनाया है। लेकिन अगर आपकी भूख नहीं है, बिना भूख के खाएंगे, 50 थालियां पड़ी हैं 7 स्टार में, 5 स्टार में, आपको उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। आप क्यों नहीं तृप्त होते हैं? क्योंकि आप भूखे नहीं हैं। आप भूखे नहीं हैं। आप बिना भूख के चर्च में आ रहे हैं, आप बिना भूख के वचनों को ले रहे हैं, इसलिए आप तृप्त नहीं हो रहे हैं। इसलिए आपको तृप्ति नहीं हो रही है, आपको टेस्ट ही नहीं लग रहा खाना। खा बहुत रहे हैं आप, खा रहे हैं, खाना है सामने, वचन का खाना है, रोज आपको मिलता है वचन का खाना, लेकिन आपके अंदर भूख नहीं है। चर्च आना आपकी मजबूरी है कि चर्च जाना है, चलो हम जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो चर्च आप किस उद्देश्य से आते हैं?
कैसा मन रखते हैं चर्च आते हुए आप, क्या लेकर जाना चाहते हैं चर्च से, क्या सोच के आते हैं आप? मैं परमेश्वर से मिलने जा रहा हूं, मैं परमेश्वर की कलीसिया में जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप भूखे आएंगे मेरे भाई, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको तृप्ति मिलेगी। अपनी भूख अपने साथ लेकर आइए। फिर उसके बाद क्या कहता है कि तुम पीते तो हो लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं बुझती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पीते तो हैं लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझती है। क्यों? क्योंकि आपको पीने की आस ही नहीं, आपको पीने की इच्छा ही नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप घर से पी के आते हैं और कहीं जाएंगे, कोई पानी पिलाएगा तो आप जबरदस्ती चलो एक घूंट पी लेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है। और अगर आपकी इच्छा नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, तो वो जल, चाहे वो यीशु मसीह के जीवन से क्यों ना हमें दिया जाए, हम उस जल को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, हम उस जल को ले नहीं पाएंगे। वो जल जो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन का जल है उसके वचन। हम जितना इस वचन को लेंगे, जितना इस वचन को लेंगे, आप विश्वास करिए, आप शुद्ध होते जाएंगे, आप पवित्र होते जाएंगे, आप में से जो कमियां हैं वो दूर होती जाएंगी अपने आप। इन वचनों में इतनी शक्ति है, आप बस इन वचनों को लीजिए, लेना सीखिए। और चौथा क्या है कि तुम्हारा जो पैसा है वो तुम उस जेब में डालते हो जिसमें छेद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर वचन आपके अंदर नहीं है, अगर परमेश्वर का भोजन आपके अंदर नहीं है, अगर उसका जल आपके अंदर नहीं है, तो मेरे भाई आप जो भी कमाएंगे ना, वो आपका यूं ही जाएगा, वेस्ट जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का आशीष नहीं है उस कमाई पर। आप जो कमा रहे हैं उस पर परमेश्वर का आशीष बहुत जरूरी है। इसलिए आप जो भी लाते हैं वो फिजूल में खर्च हो जाता है, बीमारियों में खर्च हो जाता है, कोई मेहमान आ गया खर्च हो जाता है, कोई सामान घर में टूट गया, टूटने वाला नहीं था टूट गया, अचानक आपके पैसे खर्च हो गए, तो वो आपका पैसा कहाँ है? छेद वाली जेब में जा रहा है। क्यों? क्योंकि वचन नहीं है, क्योंकि वचन के अनुसार आप नहीं चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि दान और दशांश आप प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर पूरा नहीं है। इसलिए वो कहता है, हम थोड़ा बचा कर समझते हैं, अरे देखा, लेकिन वो आपकी जो बचत है, जो परमेश्वर से चोरी है, वो आप ही का नुकसान है। जब हम परमेश्वर के लिए समर्पित करेंगे अपने आप को, जब हम पूरी तन्मयता के साथ समर्पण के संग प्रभु को आज्ञा मानकर उसको देंगे, आप देखिए अद्भुत बारिश होगी, अद्भुत आशीष होगी। फिर आपकी जेबें सिल जाएंगी, आपका कोई भी पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा आपका पैसा। हालेलुया। मुझे याद है, एक हमारे भाई थे कलीसिया में, उनका फ्रिज खराब हो गया और वो दशांश देते थे ईमानदारी के साथ। मुझे याद है, मुझे उन्होंने बताया कि ब्रदर मेरा फ्रिज खराब हो गया, मैं घुटने पे आया कि परमेश्वर मैं दशांश देता हूँ, मैं फ्रिज के लिए पैसा नहीं देना चाहता हूँ, ये एक्स्ट्रा पैसा है, मैं पूरी ईमानदारी के संग तेरी आज्ञा पे चलता हूँ। उन्होंने प्रार्थना की, विश्वास करिए, इंजीनियर को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, फ्रिज ठीक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास करिए, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को पे चलते हैं, जब इस वचन को अपने पूरे तन्मय से अपने अंदर लेकर जाते हैं, परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष देता है, अद्भुत आशीष देता है। मती 13:3-5-6। लेकिन क्यों नहीं होता है ये? हम बोते बहुत हैं, काटते बहुत कम हैं, खाते हैं लेकिन तृप्त नहीं होते, पीते हैं लेकिन प्यास नहीं बुझती, क्यों नहीं होता है ये? हालेलुया। आइए हम देखते हैं, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में हमें समझाने की कोशिश की है। आइए हम देखते हैं मती 13:3-5-6। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। परमेश्वर ने बीज बोया है,
हालेलुया। इसमें क्या है? बीज। इसमें क्या है? बीज। प्रेज द लॉर्ड। जो फसल लाने वाला है, जिस बीज में फसल लाने की शक्ति है वो इसमें है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने, परमेश्वर बोने के लिए धरती पर आया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर धरती पर आया बीज बोने के लिए। अब ध्यान से सुनिए आगे। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जलद उग आए। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। कुछ पथरीली मिट्टी, कुछ पथरीली रोड पर, पथरीले पत्थरों पर बीज गिरे। उसमें गहरी नहीं थी, उसमें मिट्टी नहीं थी, उसमें खाद नहीं थी, वो उपजाऊ नहीं थी। इमीडिएट उसमें से फल आए, उसमें से पौधे उगे। लेकिन जब दुनियावी धूप उन्होंने देखी, जब दुनियावी मुसीबत उनके जीवन में आई, तो वो बीज उनके जीवन से निकल गया। यही होता है हमारे साथ। हम जब कलीसिया आते हैं, हमें शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, हमें अच्छा लगने लगता है। इमीडिएट हम कहते हैं बपतिस्मा ले लेते हैं, इमीडिएट हम कहते हैं वाह बाइबल ले लेते हैं, वाह हम परमेश्वर के बंदे हैं, इमीडिएट हम चर्च की वो ले लेते हैं, अपना चर्च में आने लगते हैं। लेकिन जहां दुनियावी चीजें आती हैं, क्योंकि वचन आपके अंदर गहराई से नहीं गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर वचन आपके अंदर गहराई से नहीं गया है, तो आपकी समस्याएं, आपका दुख, आपकी मुसीबत आपको चर्च से दूर कर देती है। फिर आप चर्च पर दोष लगाते हैं, इस चर्च में यार आशीष नहीं मिल रहा है, ये पास्टर अच्छा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप चर्च पर दोष लगाते हैं, पास्टर पर दोष लगाते हैं, यहां तक आप परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वचन को आपने ग्रहण ही नहीं किया। याद रखिए, अगर वचन आपके अंदर काम नहीं कर रहा है, तो शैतान आपको कभी ना कभी यहां से लेकर जाएगा। बिल्कुल, आप लिख लीजिए, आज नहीं तो कल नहीं तो साल भर के बाद, दो साल के बाद, अगर वचन आपके अंदर नहीं है तो आप पीछे चले जाएंगे, आराम से पीछे चले जाएंगे। और दोष देंगे आप चर्च पर, दोष देंगे आप प्रभु पर, पास्टर पर। क्यों? क्योंकि आपकी भूमि पथरीली है, आपने अपनी भूमि को उपजाऊ बनाया ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, कितने भाई बहन ऐसे हैं, सच बताइएगा, जो यहां से संडे को आपको वचन मिलता है, घर में जाकर आप उसको देखते हैं और मनन करते हैं? कितने ऐसे हैं? बस अब देखिए, अगर आप मनन नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। आज नहीं तो कल जो चिड़िया है ना, वो वचन उठा के लेके जाएगी, जो शैतान है वो वचन लेके जाएगा, क्योंकि आपने उसको अपना बनाया ही नहीं है। वो वचन जो आप सुन रहे हैं, वो आपका अपना कब बनेगा? जब आप उसको अपने अंदर लेंगे, ये मेरा है, ये मेरे लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हमेशा जब प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूं, और मैं विश्वास, मैं कई बार बोलता हूं कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। कई बार जो आसपास मेरे भाई बहन होते हैं, वो कहते हैं पास्टर आप हमेशा ये क्यों बोलते हैं, परमेश्वर हमसे भी प्यार करता है। मैंने कहा बिल्कुल करता है, आप अंगीकार करिए। मैं अंगीकार करता हूं कि यीशु मुझसे प्यार करता है। आपका अंगीकार आपको प्यार देगा उसका। आपकी भूख होनी चाहिए, आपकी तड़प होनी चाहिए, हर बात में आपके लिए धन्यवाद निकलना चाहिए कि मुझसे मेरा यीशु मुझसे प्यार करता है। महसूस करिए, आपके सामने अच्छी रोटी है, धन्यवाद दीजिए कि धन्यवाद यीशु, तुम मुझसे बहुत प्यार करता है, तूने मुझे आशीषित रोटी दी है। हालेलुया। जब भी मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, पिता परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन तूने मुझे योग्य बनाया। प्रेज द लॉर्ड। आप भी अंगीकार करिए, अंगीकार में शक्ति है। यीशु मसीह अंगीकार करता था कि मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा पिता जो कहता है जो करता है वो मैं करता हूं, वो पिता जैसा बना। जब आप हर बात में अपने पिता को देखेंगे, तो पिता के गुण आप में आ जाएंगे। जब हर बात में आप यीशु को देखेंगे, उसके गुण आप में आ जाएंगे।
उसकी शक्ति आप में आ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे कहते हैं ना अपने पापा के लिए कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, क्योंकि मेरे पापा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और पापा को खुशी होती है कि देखा यार, अरे यार, पापा को कब खुशी होती है, जब वो बच्चा उसकी तरह ही करता है, कहता है यार बचपन में मैं ऐसे ही करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाप को लगता है नहीं ये मेरा खून है यार, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे मैं शैतानियां करता था मस्ती वैसे ही करता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि पिता को कब खुशी होगी, जब पिता ने अपना रूप आप में देखा। हालेलुया, यीशु को कब खुशी होगी आपको देखकर, जब यीशु आप में अपने आप को देखेगा। इसलिए याद रखिए मेरी बहन मेरे भाई, उसकी उपस्थिति को, इसलिए अपनी भूमि को तैयार करिए। जब आप कलीसिया आए, अपनी भूमि को तैयार करिए, अपनी भूमि को तैयार करके कलीसिया में आइए, और फिर देखिए जो वचन आप बोएंगे वो वचन जड़ के साथ मजबूत होकर एक पेड़ की तरह उगेगा, और उस पेड़ पर लोग आएंगे और पक्षी आएंगे और वहां के फल खाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें वो पेड़ बनाया है जिसलिए हम लोगों के लिए छाया का काम करें, हम लोगों के लिए फल का काम करें, हम में से लोग आशीष पाएं। और ये अंगीकार करिए, ये महसूस करिए, ये चाहिए। आपकी रोज की दिनचर्या में ऐसा होना चाहिए कि आज मैं किसके काम आया, आज मैं किसके लिए आशीष का कारण बना। चाहे आप धंधा कर रहे हैं, चाहे अपनी नौकरी कर रहे हैं, चाहे कैसे भी कर रहे हैं, प्रभु का वचन आपके अंदर है कि नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, इसलिए वो कहता है कि तुमने बोया तो बहुत लेकिन काटा बहुत कम। क्यों? क्योंकि आपकी भूमि पथरीली थी, आपकी भूमि चट्टान की तरह थी, इसलिए जो भी आप बो रहे थे वो अंदर ही नहीं जा रहा था। आपके अंदर भूख नहीं थी, आपके अंदर प्यास नहीं थी, इसलिए आप तृप्त नहीं हुए। पहला पत्रस का 2:1-3, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से समझिए कि आज बाइबल आपको क्या समझाने की कोशिश करती है। इस अंतिम समय में प्रभु क्या चाहता है, प्रभु कैसे चाहता है कि हम जिंदगी को जिए। ये अंतिम समय शैतान हमें पीछे ले जाने की कोशिश करेगा, कोई भी गलत ख्याल हमारे अंदर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया आने से पहले शैतान हमें भटकाएगा, कमर में दर्द होगा, ये दर्द होगा, वो दर्द होगा, मुंह ठीक नहीं होगा, मियां बीबी का झगड़ा हो जाएगा, ये सब शैतान की चाल है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि आप जिस घर जा रहे हैं वो परमेश्वर का है। आप वहां जाएंगे तो आपके बंधन टूटेंगे, आपको आशीष मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि कलीसिया, जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर की देह है, हमें वहां जाना है। संडे कुछ भी काम हो, प्रभु का दिन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो किस तरीके से हमें जाना है, किस तरीके से अपनी भूमि को हमें उपजाऊ बनाना है। बढ़िया बहन, पहला पत्रस 2:1-3 इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और दाह और निंदा को दूर करके। इसलिए सब प्रकार के वैर भाव, छल और कपट और दाह और बदनामी को दूर करके, सब प्रकार का वैर भाव। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब कलीसिया आते हैं, हम जब मसीह हैं, हम जब चुने गए हैं, वो पुराना मनुष्यत्व, वो पुराना जो स्वभाव हमारे अंदर था, उसको अपने अंदर से पूरी तरीके से निकालिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सब प्रकार का, एनी टाइप ऑफ बैर भाव जो हमारे अंदर है, उसको दूर करिए। बैर भाव क्या है? क्षमा ना करने की भावना। आपके अंदर इतनी दुश्मनी आ गई, आप अपने भाई से इतने खफा हो गए, इतना नफरत करने के लिए गए, क्या कहते, क्षमा नहीं करूंगा मैं ना। बैर भाव क्या है? क्षमा ना करने की भावना। मेरे भाई, जिस दिन अगर आपके अंदर क्षमा ना करने की भावना आ गई, समझिए कि आपके अंदर यीशु नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है।
अगर कहीं ऐसे आपके मन में आता है कि नहीं मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा, आप खतरे में हैं। इसलिए वो कहता है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल, छल का अर्थ क्या है? बदला लेना। छल का मतलब क्या है? बदला लेना। हनन्या और शफीरा ने प्रेरित काम 5 में छल से अपनी संपत्ति को पतरस के सामने पूरा नहीं दिखाया, छल किया उसने, उसने पवित्र आत्मा को धोखा किया। छल का मतलब क्या है? कि आप पवित्र आत्मा को धोखा दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जेबी लाइटफुट एक बहुत ही बड़े कलीसिया के अपने बाइबल के विद्वान हुए हैं, उन्होंने बताया कि छल का अर्थ क्या होता है। जेबी लाइटफुट ने कहा है कि विषयुक्त स्वभाव जो किसी की हानि पर उतारू हो, विष से भरा हुआ स्वभाव जो किसी की हानि पर उतारू है, को नहीं साहब मुझे इसकी हानि करनी है, वो है छल, वो है छल। पाखंड का मतलब क्या है? जो आप नहीं है आप वो दिखा रहे हैं, आपने अपने चेहरे पर नकाब पहना हुआ है, दिल में आप कुछ और हैं, चेहरे पर आपके कुछ और हैं। वो कहता है इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल और कपट अपने से दूर करो। अगर आप मेरे भाई इन चीजों को दूर नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के अभिषिक्त वचन को अपने अंदर नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। प्रेज द लॉर्ड। इसी वचन को समझाने के लिए पौलुस ने इफिसियों में लिखा है, पौलुस ने इफिसियों में इफिसियों 4:22-24 के बीच में लिखा है, जल्दी से निकालिए, इसी बात को समझाने के लिए कि हमें कैसे जिंदगी जीनी है, क्या क्या चीजें हम में से निकलनी चाहिए। इफिसियों 4:22-24 के बीच में, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हालेलुया। कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, यानी कि पुराना चाल चलन आपको हर फल प्रतिफल आपको भ्रष्ट करता है। वो उस चाल चलन को कपड़े के रूप में देखता है पौलुस, और वो कहता है उस चाल चलन को उतार दो, उतार दो अपने से, वो आपको उतारना है। कोई भी बुरी भावना, कोई भी बुरी कल्पना आपके अंदर आती है, यीशु मसीह के नाम से उसको वश में करिए। जो हम सुबह शपथ लेते हैं उसको यीशु मसीह का गुलाम बनाकर उसके नीचे कर दीजिए, उसके पैरों के नीचे कर दीजिए, क्योंकि आपको पता लग गया है कि गलत है, कि भावना गलत है, ये बात गलत है, आपको पता लग गया है। इसलिए वो कहता है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। आगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जिस स्वभाव को परमेश्वर ने आपको दिया है यीशु के द्वारा, आपको पवित्र किया है, आपको पापों से मुक्त किया है, उस स्वभाव के द्वारा नए बनते जाओ। रोज हर पल अपने अंदर नयापन देखो। जब वो वचन आपके अंदर आएंगे आप नयापन देखेंगे। आगे 24वां, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नया मनुष्यत्व किसने दिया हमें? किसने दिया? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने। वो पवित्रता का मनुष्यत्व, वो अभिषिक्त का मनुष्यत्व। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी को पौलुस 2 कुरिन्थियों 5:4 में क्या कहता है, देखिए। कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी वो भटक गई थी। उस कलीसिया को जो भटक गई थी उसको रास्ते पर लाने के लिए पौलुस उसको लिखता है।
देखिए जब कलीसिया भटक जाए बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें कलीसिया को संवारने के लिए प्रार्थनाओं में रहना है। हमारी संगति परमेश्वर के बंदों के साथ रहनी चाहिए। हमें अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए कि मेरा भाई मेरी बहन भटक गया तो मैं नहीं भटकूंगी या मैं नहीं भटकूंगा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियन 5:4 में क्या कहता है वो, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं। क्योंकि हम वस्त्र उतारना नहीं चाहते, पहनना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम पुराना मनुष्य तो उतारना नहीं चाहते और यीशु का मनुष्य तो चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, समझिए, अगर इसी कमीज के ऊपर कोई भाई कोई बहन मुझे अगर गिफ्ट देगी और वो नई कमीज मैं इसी के ऊपर पहन लूंगा तो कैसा लगेगा, कहीं से उठेगा, कहीं से गिरेगा, कहीं से सुकड़न होगी, सही लगेगा, फिटिंग सही आएगी मेरे ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इस कमीज को उतारा ही नहीं है। अगर मुझे नया मनुष्यत्व पहनना है, अगर मुझे उसका आशीष चाहिए, अगर मुझे नए जीवन का आशीष चाहिए, तो मुझे पुराने जीवन को निकालना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि तुम बोते तो बहुत हो लेकिन काटते नहीं हो। कई भाई बहन जो आते हैं कलीसिया में उनके जीवन में आशीष नहीं होता है, बीमारियां आती हैं, प्रार्थना करते हैं निकलती हैं, फिर बीमारियां आ जाती हैं, दुष्ट आत्माएं आती हैं फिर प्रार्थना करते हैं फिर आ जाती है दुष्ट आत्मा। क्यों? क्योंकि आप कलीसिया में जब आते हैं तो प्रार्थना के जरिए परमेश्वर आपको आशीष देता है, लेकिन घर जाकर वही पुराना मनुष्य तो आपके साथ होता है। यहां का मनुष्य तो, यहां का परिवेश, यहां का वचन तो आप लेकर अपने घर में नहीं रह रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। जिस दिन आप पूरी तरीके से, जैसे आप कलीसिया में हैं वैसे घर में हैं, जैसे कलीसिया में वैसे अपने ऑफिस में, जैसे कलीसिया में वैसे अपने धंधे में, हो सकता है शुरू में आपको दिक्कतें आए लेकिन लॉन्ग रन में परमेश्वर का आशीष आप महसूस करेंगे, महसूस करेंगे। हालेलुया। कुरिन्थियों की कलीसिया बिल्कुल भटक गई थी। पौलुस जिसने उसको सुसमाचार सुनाया था, उसका बोझ था कि वो उस कलीसिया को समझाए, उस समय में समझाए, इसलिए उसने पहला कुरिन्थियन 5:7-8 में क्या बोला है सुनिए, यही बात कुरिन्थियों को दूसरे तरीके से उसने समझाई है। पहला कुरिन्थियन 5:7-8, पुराना खमीर निकाल कर, पुराना खमीर निकाल कर, एक आटा गूंथते हैं, प्रेज द लॉर्ड, एक आटे में अखमीरी रोटी में अगर खमीर आप मिला देंगे, खट्टी चीज को मिला देंगे, तो चाहे कितना बड़ा आटा क्यों ना हो सब खराब हो जाएगा। एक दूध है, दूध में एक बूंद आप नींबू का डाल देंगे या नमक डाल देंगे, 10 लीटर दूध होगा, खराब हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्या कहता है पढ़िए, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, कोई अपवित्रता ना हो आपके अंदर, निकालो पुराने मनुष्यत्व को, निकालो पुरानी चीजों को, निकालो तब तुम बोगे और फसल उगेगी, तब तुम खाओगे और तुम्हें तृप्त महसूस होगा, तब तुम पियोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि यस आज मैं पानी पिया है, आप उस तृप्त जल को महसूस करेंगे। मेरे भाई हमें पुराने मनुष्यत्व को अपने अंदर से अलग करना है, और जिस दिन हम उसे अलग करने में कामयाब हो गए मेरे भाई, यही है, यही तो शैतान है जो आपको पूरी तरीके से कलीसिया में आने नहीं देता है, पूरी तरीके से कलीसिया में आपको रहने नहीं देता है,
पूरी तरीके से वचनों में अपने आप को चलाने नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों कहता है परमेश्वर, क्यों कहता है पौलुस ने, क्यों कहा पतरस ने, क्यों कहा कि पुराने मनुष्य को निकालो? क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। पहला पतरस 1:3-5, आपके पास क्या है, आप कौन हैं? क्यों पौलुस कहता है, क्यों बाइबल कहती है कि पुराना मनुष्य तो निकालो? क्योंकि पुराना मनुष्य तो आपको शैतान की ओर लेके जाता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? बड़ी बहन, पहला पत्रस 1:2-3, पहला पत्रस 3:4-5, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आमेन। हमें नया जन्म क्यों मिला है? यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जन्म क्यों मिला है? ताकि वो जीवित आशा हमारे संग हमेशा रहे। हमारी जीवित आशा क्या है? कि हम स्वर्ग के अधिकारी हैं। हमारी जीवित आशा क्या है? कि अनंत काल का जीवन हमें मिल चुका है। यीशु मसीह स्वर्ग से हमें लेने के लिए आने वाला है। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा उसने हमें नया जन्म दिया है, और वो नया जन्म हमारे अंदर जीवित आशा रखती है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहन, ये आशा ही है जो आपके जीवन में आपको जीने देती है। आज जब अपनी बेटी की शादी करते हैं, घर में एक नया जीवन उसके पास होता है, क्या होता है आपके पास? आशा कि मेरी बेटी सुख से रहेगी, मेरी बेटी अच्छा जीवन जिएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो जीवित आशा परमेश्वर ने हमको दी है। आगे पढ़िए। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और चौथा अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। प्रेज द लॉर्ड। किसके लिए वो जीवित आशा हमें दी है? वो उत्तराधिकार जो अविनाशी है, जो निष्कलंक है, जो अमिट है, वो स्वर्ग में सुरक्षित है। मेरी जीवित आशा क्या है? मेरी जीवित आशा क्या है? कि मुझे जो उत्तराधिकार मिला है, जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो निष्कलंक है, पवित्र है, और जो अमिट है, जो मिट नहीं सकता, वो स्वर्ग में सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड। कौन कर रहा है सुरक्षा उसकी? कौन कर रहा है सुरक्षा उसकी? मेरे उत्तराधिकार की सुरक्षा कौन कर रहा है स्वर्ग में? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये है मेरी जीवित आशा। और जब ये आशा मेरे साथ है, तो मेरे लिए पुराने मनुष्य का कोई मूल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इस जीवित आशा के सामने आपका पुराने स्वभाव का कोई कीमत है? मुझे वो आशा दी है परमेश्वर ने यीशु की मृत्यु के द्वारा, और जिसकी सुरक्षा परमेश्वर स्वयं कर रहा है। पांचवा सुनिए। जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। प्रेज द लॉर्ड। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ से उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होगा, कहां की जाती है? धरती पर। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ध्यान से देखिए, उसकी रक्षा। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी रक्षा? किसकी रक्षा? जिनकी रक्षा? हमारी रक्षा। बोलिए, हमारी रक्षा। हमारी रक्षा, हमारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ से, इस धरती पर। हमारी रक्षा कौन कर रहा है? परमेश्वर का सामर्थ। अब अगर परमेश्वर के सामर्थ से उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होता है की जाती है, लेकिन ये जो है विश्वास के द्वारा, ये कौन करेगा? हमको। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर हमारी रक्षा जमीन पर उस आने वाले यीशु के लिए कर रहा है, उस उद्धार के लिए कर रहा है जो यीशु के आने पर प्रकट होगा। लेकिन ये रक्षा हम अपने जीवन में कब महसूस करेंगे? जब हम विश्वास करेंगे। आपकी जीवित आशा आपको कब शक्ति देगी? जब आप धरती पर बैठकर विश्वास करेंगे कि मेरे उत्तराधिकार की रक्षा परमेश्वर स्वर्ग में कर रहा है। Praise the Lord. Hello. मेरा बेटा चाहे कहीं भी हो, सात समंदर पार हो, हिंदुस्तान के किसी कोने पर हो, लेकिन मेरी जो जायदाद है उसका वारिस मेरा बेटा है, उसको पता है। मैं कहीं भी हूं, मेरा पिता मेरी जायदाद की रक्षा कर रहा है। Praise the Lord. यही तो आशा है, इसीलिए वो कहता है कि हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को निकालना है। हम क्यों फसल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि पुराना मनुष्यत्व के अनुसार हम बो रहे हैं, हम बो रहे हैं। आप कितने अच्छे से अच्छे बीज ले आइए, अगर इस जाके पथरीली भूमि पर बोएंगे, कहीं उगेंगे कहीं नहीं उगेंगे, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने भूमि नहीं बनाई, भूमि को उपजाऊ नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी सुख की बात है कि स्वर्ग में मेरे उत्तराधिकार की रक्षा मेरा परमेश्वर कर रहा है और धरती पर मेरी रक्षा परमेश्वर का सामर्थ्य कर रहा है। अब सोचिए, हमें डरने की जरूरत है? हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है? लेकिन आपके जीवन में दुख क्यों आते हैं? क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है, आप उस रक्षा को महसूस नहीं कर पा रहे, आप उस सामर्थ्य को महसूस नहीं कर पा रहे। जानते हैं परमेश्वर का सामर्थ कौन है? परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा धरती और आकाश रचे गए हैं। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह ने मरियम के कोख में जन्म लिया, वो सामर्थ मेरी रक्षा कर रहा है। वो सामर्थ, इसलिए कोई भी दुख मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। Praise the Lord. और आपका सुख, और आप उसका सुख तभी भोग सकते हैं मेरे भाई, जब आप विश्वास करेंगे। और मैं आपको सच बताऊं कि परमेश्वर के जो सामर्थ है वो सिर्फ आपके घर में ही नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं चर्च में हूं तब परमेश्वर का सामर्थ है, नहीं, 24 घंटे सातों दिन परमेश्वर का सामर्थ आपकी रक्षा कर रहा है। 24 घंटे सातों दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। हर पल, हर क्षण। लेकिन आपको महसूस करना है, आपको विश्वास करना है। इसलिए वो कहता है कि विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम उस चीज को पा सकते हैं, विश्वास के द्वारा उस सुरक्षा को हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए मेरी बहन, कभी पीछे मत हटिए, कभी पीछे मत हटिए, कभी सोचिए भी नहीं कि मेरा पति ठीक नहीं हो रहा है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, क्या ठीक होगा? होगा। मेरे भाई, जो आप चाहते हैं वो होगा, क्योंकि अगर वो सही चाहत है तो वो परमेश्वर ने आपके अंदर बोई है। Yes.
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप जीवन बिताते हैं मेरे भाई, कहीं कोई कष्ट नहीं है। याद रखिए, अगर आप वचन के अनुसार चल रहे हैं और सताव आता है तो विश्वास करिए परमेश्वर की योजना आपके जीवन में काम कर रही है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी का पढ़िए, पहला पत्रस 13:1-13। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधो। आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, बेल्ट लगा लेते हैं, अच्छी जीन पहन लेते हैं, अपनी बुद्धि की कमर बांधो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही है? गलत दिशा में तो नहीं जा रही है? घमंड से तो नहीं भर गई है? नफरत से तो नहीं भर गई है? आकलन करो अपना। घर में बैठकर 15 मिनट अपने लिए दो। सोने से पहले अपने बारे में सोचो कि मैंने कैसे जीवन गुजारा है, आज का दिन मैंने कैसे गुजारा है, क्या मैंने जो सुबह से शाम तक किया वो सही है। अपनी बुद्धि की कमर बांधो, क्योंकि वो जो आशा है, वो जीवित आशा जो आपके अंदर है, जो परमेश्वर आपको उद्धार के दिन देने वाला है, आपकी आशा पूरी करने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए विश्वास करो। मलाकी 3:10। बुद्धि की कमर बांधो, कहने से पहले सोचो आप क्या कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम कोई मामूली इंसान नहीं है। मेरे अंदर वो जीवित आशा परमेश्वर ने डाली है, उस आशा का बीज परमेश्वर ने बोया है मेरे अंदर। मेरा उत्तराधिकार परमेश्वर ने स्वर्ग में रखा है सुरक्षित। धरती पर मेरा पिता परमेश्वर मुझे सुरक्षा दे रहा है। आप मामूली इंसान नहीं है। मलाकी 3:10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारे दशांश भंडार में लेकर आओ। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से समझिए। सारे दशांश, लोग कहते हैं, लोग समझते हैं कि सिर्फ पैसे का दशांश। कलीसिया में सिर्फ पैसे के दशांश के बारे में आपको बताया जाता है कि आप जो कमाते हैं उसका दसवां हिस्सा परमेश्वर का है। वो सही है, वो है, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारे आपके समय का दशांश। आप जो 24 घंटे गुजारते हैं, क्या उसमें 10% प्रभु की सेवा करते हैं? क्या 10% आप परमेश्वर के लिए जीते हैं? आपने महीने भर की तनख्वाह में से 10% निकाला और हाथ धो के बैठ गए आप। सारे दशांश, एक दशांश नहीं, पैसे का दशांश नहीं, मेरे समय का दशांश, मेरे विचार का दशांश, सारे दशांश लाओ। परमेश्वर तब स्वर्ग के झरोके खोलेगा और वो कहता है उसे परखो, मेरी महिमा नहीं उसकी महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। सारे दशमांश, एक मिनट, जिस तरीके से दशांश के बारे में परमेश्वर की आज्ञा क्या है कि दाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि बायां हाथ क्या दे रहा है। हालेलुया।
ये दशांश का नियम है. प्रेज द लॉर्ड. इसी तरीके से अगर आप सेवा भी कर रहे हैं तब भी शोबाजी मत करिए कि मैं आज वहां गया था, मैं आज वहां गई थी और मैंने 10 आत्माओं को सुनाया. नो. जिस तरीके से आपका दशांश दाहिने हाथ ने क्या दिया, बाएं को पता नहीं लगना चाहिए, उसी तरह के आपके सारे दशांश का लेखा आपको परमेश्वर को देना है. प्रेज द लॉर्ड. मेरी बहन, हम किसके लिए जी रहे हैं? परमेश्वर के लिए. हम जो भी काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए. आज जो मैं ये बाइबल का वचन आपको सुना रहा हूं, किसने मुझे दिया है? परमेश्वर ने. कौन मेरे अंदर से बोल रहा है? पवित्र आत्मा. यानी कि हमारा सब कुछ परमेश्वर के लिए है, इसलिए हमें दीन बनकर काम करना है, दिखावा नहीं करना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं, मैं बहुत अच्छा सरमन देता हूं. नो, आई एम नथिंग. मैं कुछ भी नहीं हूं. मुझे और प्रभु को जानना है. आप जानते हैं, उस परमेश्वर को जानने के लिए जो आपका दिमाग है ना, ये बहुत ही कम है. अगर 5 किलो का दिमाग भी आपके अंदर आ जाए ना, तब भी आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे. उसको जानना, उसकी रीति को जानना, उसके अनुग्रह को समझना. आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए क्या कहता है? कि उसने हमें नया जीवन दिया है, उसने हमें सारे पापों से माफ कर दिया है. पुराना परमेश्वर का नियम क्या था पता है? एजिकेल 18 का 4 निकालिए. एजिकेल 18 का 4, पाप की सजा मृत्यु, जिसने पाप किया उसे माफ दो, वो मरना चाहिए, उसको मरना है. ये पुराने नियम का, पुराने नियम में नियम था परमेश्वर का. आज परमेश्वर का अनुग्रह हम पर इतना हुआ है कि हमारे सारे पापों को यीशु मसीह ने ले लिया, सारे पापों को जो हमने किए थे और जो हम करने वाले हैं, वो ले चुका है. एजिकल 18 का आप 4 क्या कहता है? देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा. प्रेज द लॉर्ड. जो प्राणी पाप करेगा वो मर जाएगा. हमारा परमेश्वर जो कल था वो आज है और हमेशा रहेगा. लेकिन आप सोचिए, इसलिए बाइबल कहती है जो उसने हमें अनुग्रह दिया है उसके अनुग्रह को हम व्यर्थ ना करें. आज उसका अनुग्रह है, हमने पाप किए उसके बाद भी हम स्वर्ग के अधिकारी हो गए. इस चीज को हम समझें, फिर से पाप ना करते जाएं, पुराने मनुष्य को निकालें. ये ना सोचें कि यीशु मसीह ने तो माफ कर दिया है, अभी और पाप कर लो. हम यीशु मसीह को रोज अपने लिए नहीं मार सकते. हालेलुया. विश्वास करिए. इसलिए जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर का प्यार है, जो परमेश्वर की जीवित आशा है, वो हमारे साथ हमेशा रहे. और हम पुराने मनुष्य को निकालें. लेकिन उसके लिए विश्वास की जरूरत है और विश्वास के संग कर्म होना जरूरी है. याकूब 2 का 17, बिना कर्म के विश्वास मृत है. वैसे विश्वास भी यही कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है. Amen. आपका अगर विश्वास है और आप उसके अनुसार काम नहीं करते हैं,
तो आपका विश्वास मरा हुआ है। इब्राहिम के पास विश्वास था, जब परमेश्वर ने कहा कि मुझे तेरा बेटा चाहिए, उसने कर्म किया और ले गया अपने बेटे को, इसलिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा जो विश्वास है उसमें कर्म चाहिए। जब आपके विश्वास में कर्म होगा मेरी बहन, तभी आप अपने पुराने मनुष्यत्व को निकाल पाएंगे। पुराना मनुष्य तो है आपके अंदर, और थोड़ा सा रहेगा वो जब तक यीशु मसीह आएगा, लेकिन पुराना मनुष्य तो हम मेरे नए मनुष्य तो भारी पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुराना मनुष्यत्व मेरे नए मनुष्यत्व को ढक दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आदमी ने शराब छोड़ दी कि मैं यीशु मसीह में आ गया हूं, अब मैं शराब नहीं पाऊंगा। लेकिन रोज दुकान से निकलते हुए शराब का दाम पूछ रहा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। भैया कितने की है? मैंने छोड़ दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान कभी भी आपको उस दुकान के अंदर लेकर जाएगा। हाँ, कभी भी लेकर जाएगा। मैं तो किसी की बुराई नहीं करती, मैं बिल्कुल अच्छी हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करती हूं। उसका क्या हुआ? प्रेज द लॉर्ड। पुराना मनुष्य तो है। अच्छा, उसने ऐसा किया? नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन हम तो यीशु मसीह के, हम तो बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। वो निकल नहीं रहा है, हमारा पुराना मनुष्य तो निकल ही नहीं रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी हमारे मन में ये चलता रहता है। बड़ा मुश्किल है, इसीलिए परमेश्वर आपके साथ है, इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आपको दी है, ताकि आप उसकी मदद से अपने पुराने मनुष्यत्व को भूल जाएं। और ये भूलना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब आपका पुराना मनुष्य तो निकल जाएगा, आप जो बोएंगे फसल उगेगी। Amen. फसल उगेगी, आपको भूख लगेगी, आपकी प्यास बुझेगी, और आपकी सारी जेबें छेद रहित हो जाएंगी। Amen. Praise the Lord. इसलिए विश्वास करिए और परमेश्वर कि इस जीवित आशा को अपने साथ हमेशा रखिए। हालेलुया।